हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है महेंद्र सिंह, MSPG के ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी हाल ही में न्यूज के अंदर आपने देखा होगा कि G20 2021 का अभी अक्टूबर के महीने के अंदर एक समिट हो चुका है। रिसेंटली 2021 के अंदर सम्मेलन हुआ है। तो अबाउट G20, कब G20 का गठन किया गया था, कौन कौन से इसके अंदर वर्तमान में मेंबर है, भारत के साथ इसका लिंक क्या है, ये सारी बातें करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो बोर्ड के ऊपर मैंने सारा डाटा आपके सामने एक तरह से ऐड कर रखा है, जिसका आप लोग क्लास के बाद, पूरी वीडियो के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखो, G20 समिट 2021 अभी रिसेंटली 30 और 31 अक्टूबर के दिन इटली देश का जो कैपिटल है यानी कि रोम, रोम के अंदर इसका हाल ही में एक सम्मेलन हो चुका है। जो इसका मोटो बनाया गया था अभी हाल ही में, इसका जो मोटो दिया गया था, पीपल प्लेनेट एज ए प्रोस्पेरिटी, यानी कि पीपल प्लेनेट प्रोस्पेरिटी, ये इसका मोटो था 2021 G20 सम्मेलन का। करंट की बात करें G20 में, तो लोकेशन ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि कहां पे हाल ही में इसका सम्मेलन किया गया है। तो 2021 के अंदर G20 का जो सम्मेलन है वो इटली देश की राजधानी रोम के अंदर किया जा चुका है हाल ही में। अब अबाउट G20, कब बना था G20, कौन कौन से मेंबर है, ज्यादातर एग्जाम हॉल के अंदर आपने देखा होगा चार ऑप्शन डाल दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से मेंबर है, कौन कौन से मेंबर नहीं है। तो उस सभी की बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अबाउट G20 जो इसका फॉर्मेशन है ना, वो सितंबर 1999 के अंदर किया गया था, यानी कि 26 सितंबर 1999 को G20 का स्थापना हुआ था, G20 का गठन किया गया था, G20 का फॉर्मेशन हुआ था। वर्तमान इसका जो चेयरमैन की बात करें, जोको विदोदो, एक व्यक्ति है जोको विदोदो जो कि इंडोनेशिया से संबंधित है। 2022 के लिए इसका चेयरमैन बनाया गया है, जोको विदोदो। अभी 2022 के लिए इसका मतलब क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको लास्ट पॉइंट के अंदर समझ में आएगा कि ये 2022 के लिए इसका मतलब क्या होता है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने देखा होगा जो इसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी वगैरह होते हैं संस्थाओं के, वो ज्यादातर 5 साल वगैरह 3 साल के लिए होते हैं। लेकिन इसका जो चेयरमैन होता है G20 का, वो हर साल के लिए एक चेयरमैन बनाया जाता है। तो 2022 के लिए इसका जो चेयरमैन है ना, वो जोको विदोदो है, इंडोनेशिया से संबंधित है, यानी कि इन प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विदोदो जी। ठीक है, तो गठन हुआ था 26 सितंबर 1999 को G20 का। चेयरमैन वर्तमान में जोको विदोदो जी के पास है, यानी कि इंडोनेशिया देश के पास है। अब इसके अंदर मेंबरशिप की बात करें तो वर्तमान में टोटल 20 मेंबर है, यानी कि टोटल सदस्य इसके अंदर 20 है G20 के अंदर। अब देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर देश 20 है, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर मेंबरशिप यानी कि सदस्य देशों की संख्या जो है, या सदस्य जो इसके अंदर वो 20 है। अब जो 20 इसके अंदर मेंबर है ना, इन 20 मेंबर के अंदर 19 तो देश है प्लस एक इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूरोपियन यूनियन यानी कि EU। अब इसका मतलब क्या होता है, 19 जो देश है वो कौन कौन से देश है, ज्यादातर आप इनको रट्टा मारोगे तो 19 देश ऐसा याद नहीं हो पाएगा, एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे तो एक दो माइंड से स्लिप भी हो सकता है। तो जो 19 देश है ना, उन 19 देश को एक थोड़ा सा अल्फाबेट तरीके से आप लोग याद कर सकते हो ABCD के अकॉर्डिंग, है ना, आराम से याद हो जाएंगे, लेकिन वो एक बार आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का मतलब इसे टोटल ए नाम से दुनिया के दो देश बनेंगे, एक बार आप लोग इसको थोड़ा देख लेना, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब ए से दो देश बनेंगे, बी से एक देश बनेगा, सी स्क्वायर सी से दो देश बनेंगे, कुछ ऐसा याद करना पड़ेगा, बट एक बार माइंड में सेट करना पड़ेगा ये। तो ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर FGI³ JMRS³ TU² हार्ड लगेगा थोड़ा, लेकिन याद करने के लिए क्या करना है, ए स्क्वायर बोले तो ए से दो देश अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया, ये इसके अंदर दो देश बनने वाले हैं, एक तो अर्जेंटीना और एक ऑस्ट्रेलिया। G20 के अंदर ओनली ए से दो देश बनेंगे, अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर इसके अंदर आ रहा बी, तो बी से क्या बन जाएगा, बी से ब्राजील। ठीक है जी, बी से ब्राजील। सी स्क्वायर, सी से दो देश बनेंगे, और जो इसके अंदर दो देश बनेंगे सी से, वो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो चाइना और एक कनाडा। ठीक है, चाइना एंड कनाडा, ये इसके अंदर सी स्क्वायर यानी सी से दो देश बन रहे हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ए स्क्वायर से अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राजील, सी स्क्वायर यानी सी से दो देश बनेंगे चाइना एंड कनाडा। इसके बाद एफ आर है, तो एफ से आप लोग समझ पा रहे होंगे, एफ से बनेगा फ्रांस कंट्री। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, जी से जर्मनी, I³, आई से बनेंगे तीन देश, कौन कौन से तीन देश, एक तो अपना इंडिया, इंडोनेशिया और इटली, आई से तीन देश, इंडिया इंडोनेशिया इटली। फिर आ रहा है इसमें जे, जे से आप लोग समझ पाओगे, एक बार माइंड में सेट करना, जे से जापान, एम से आप लोग बना दोगे इसके अंदर मैक्सिको।
ठीक है, एम से बनेगा मैक्सिको, तो आप लोग समझ पा रहे हो ना, ए स्क्वायर अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, ए से सिर्फ G20 के अंदर दो ही देश है, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, बी से बनेगा ब्राजील, सी से चाइना कनाडा, और उसके बाद आ रहा है अपना एक तरह से एफ, एफ से आप लोग फ्रांस बनाना, जी से जर्मनी, आई से तीन देश इटली इंडोनेशिया एंड अपना एक तरह से इंडिया, ठीक है जी। जे से आप लोग समझ पा रहे हो जापान, एम से मैक्सिको, आर से एक देश बनेगा, इसमें आर सिर्फ वन लिखा है मैंने, क्यूब वगैरह कुछ नहीं लगाया, तो आर से रशिया, एस से यानी कि एस क्यूब, तो एस से तीन देश बनने वाले G20 के अंदर, एक तो साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ये इसके अंदर एस से तीन देश है। टी टी से सिंगल देश बनेगा, टी से बन जाएगा अपना टर्की, एज ए तुर्की, और यू स्क्वायर यानी यू से दो देश, एक तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूके यूनाइटेड किंगडम, ये इसके अंदर टोटल 19 देश बताए मैंने अभी, लेकिन मेंबरशिप इसके अंदर ध्यान रहे 20 है, जिसमें हम 19 देश की बात कर चुके हैं इस अल्फाबेट तरीके से, समझ जाओगे, दोबारा देख लेना, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील चाइना कनाडा फ्रांस जर्मनी इंडिया इटली इंडोनेशिया, ठीक है जी, जैसे जापान मैक्सिको रशिया साउथ कोरिया सऊदी अरब साउथ अफ्रीका, उसके बाद टर्की यूके यूएसए, ये हो गए इसके अंदर मेंबर के अंदर 19 देश, प्लस एक इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका नाम है यूरोपियन यूनियन, यानी कि ईयू बोलते हैं शॉर्ट में, यूरोपियन संघ। अब यूरोपियन संघ के ज्यादातर आप लोग क्वेश्चन देखोगे एसएससी में, ज्यादातर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां पर है, तो जो जो ये यूरोपियन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स शहर के अंदर, ब्रुसेल्स शहर ये एक देश है बेल्जियम, उस बेल्जियम देश का राजधानी है, इन प्रेजेंट टाइम इसका हेडक्वार्टर है। आज की तारीख में टोटल यूरोपियन यूनियन में सिर्फ 27 देश बचे हुए हैं, कुछ समय पहले इसके अंदर 28 देश थे, अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक ब्रिटेन जो है वो इससे एग्जिट हो चुका है, यानी कि जो एक ब्रेग्जिट का मामला आप लोग न्यूज सर्कियों में देख रहे होंगे, तब 27 देश अब हाल ही में अभी कुछ समय पहले ब्रिटेन एग्जिट हो चुका है यूरोपियन यूनियन से, तो यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश है, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है, और वर्तमान इसका प्रेसिडेंट की अगर बात करें ना यूरोपियन यूनियन की, तो उसका नाम है उर्सुला वोन नाम की एक महिला बेल्जियम से संबंधित है, ये वर्तमान इसकी अध्यक्ष है, ठीक है। तो जो मेंबरशिप हम बात कर रहे थे बार बार G20 के अंदर, 19 देश प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टोटल हो गए 20 मेंबर, ये यूरोपियन यूनियन एक, सॉरी क्या नाम है, G20 एक ग्रुप है, ठीक है। अब समिट के कारण अभी रिसेंटली हाल ही में अपडेट हुआ है, रिसेंटली करंट में आया है, तो समिट 2021 की बात करें रोम शहर के अंदर जो कि इटली का कैपिटल है वहां पे हो चुका है, लेकिन आपने एग्जाम के अंदर ज्यादातर देखा होगा, ज्यादातर स्टूडेंट क्या है 2021 का याद कर जाएंगे कि हाल ही में कहां पे हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ बैकग्राउंड एक तरह से एग्जामिनर पुट कर देते हैं क्वेश्चन के रूप में कि 2018 या 17 या 19 का कहां पे हुआ है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे ज्यादातर पेपरों में बैकग्राउंड क्वेश्चन भी बन के आ जाते हैं, या इसका ऐतिहासिक फैक्ट की बात करें कि फर्स्ट सम्मेलन कहां पे हुआ, भारत इसका मेंबर है तो भारत के अंदर कभी सम्मेलन हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो भारत में कब हुआ है, ये दो तीन बातें और हमें एक तरह से याद करनी है। तो देखो अगर हम इसके सबमिट की बात करें कहां कहां पे इसके सबमिट आज तक होस्ट हो चुके हैं, तो कुछ मेन मेन याद करनी है, 2021 तक इसके सम्मेलन है ना वो 16 सम्मेलन हो चुके हैं, 16 यानी 16 सम्मेलन 2021 तक इसके हो चुके हैं। तो पहली बार इसका सम्मेलन कहां पे हुआ था और कब हुआ था, फर्स्ट इसका सम्मेलन 14-15 नवंबर 2008 को किया गया था वाशिंगटन डीसी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अमेरिका की कैपिटल है, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं जॉर्ज वाशिंगटन जी, ठीक है। तो फर्स्ट समिट 2008 में किया गया था वाशिंगटन डीसी के अंदर, सेकेंड इसका सम्मेलन है वो 2009 में लंदन में किया गया था, ऐसे एक लिस्ट बनती है, बट मैं कह रहा हूं आपको 16 के 16 याद नहीं करने हैं, आपको कुछ मेन मेन याद करने हैं, एक तो फर्स्ट हो जाएगा 2008 में अमेरिका के अंदर वाशिंगटन शहर में, बैक याद करना चाहिए तो 14वें नंबर का जो इसका सम्मेलन है ना 30 नंबर का सम्मेलन वो 2019 के अंदर किया गया था जापान के ओसाका शहर में 2019 में, 15वें नंबर का जो सम्मेलन है वो 2020 में किया जा चुका है रियाद में, रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल है 2020 में, और 16वें नंबर का जो सम्मेलन है ना वो इसका अभी हाल ही में अपडेट करंट की बात करें तो 16वें नंबर का सम्मेलन है 30 और 31 अक्टूबर को इसका सम्मेलन हो चुका है 2021 में 16वें नंबर का रोम के अंदर, ठीक है।
ठीक है। अब सेम ऐसे ही अगर हम आगामी की बात करें, यानी कि 17वें नंबर का इसको जो सम्मेलन है, 17वां, या जो कि आगामी 2022 के अंदर किया जाएगा, वो किया जाएगा बाली। बाली एक द्वीप है, यानी कि एक इंडोनेशिया के अंदर एक शहर है बाली। तो 2022 के अंदर इसका समिट बाली के अंदर होने वाला है। अगर हम और आगामी बात करें, और हमारे इंडिया के लिए भी इंपोर्टेंट बनेगा, अपने एग्जाम हॉल के लिए भी इंपोर्टेंट बनेगा, क्योंकि भारत में आज तक इसका सम्मेलन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन 18वें नंबर का जो इसका सम्मेलन है ना, वो 2023 के अंदर किया जाएगा। और 2023 में 18वें नंबर का सम्मेलन वो हमारे देश के अंदर पहली बार होगा, नई दिल्ली के अंदर। तो क्या समझे, G20 का भारत में पहला सम्मेलन 2023 में किया जाने वाला है। 2023 में एक तरह से आयोजन किया जाएगा अपने न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। 19वें नंबर के सम्मेलन की बात करें तो 2024 में किया जाएगा, और ये किया जाएगा ब्राजील में। तो ऐसे कुछ मेन मेन सम्मेलन इसके याद करने हैं, यानी कि एक तो रिसेंटली कुछ 2-3 साल बैकग्राउंड, इंडिया के साथ एक लिंक, एंड इसका एक फर्स्ट पहली बार कब हुआ था, ये चीज याद करनी है। बट एक ध्यान जरूर रखना, भारत में पहली बार इसका आयोजन 2023 में नई दिल्ली में किया जाने वाला है। तो ये तो हो जाएंगे G20 के प्रमुख समिट, करंट का समिट और कुछ बैक सम्मेलन, ठीक है। अब देखो एक इसके कुछ स्टैटिक पॉइंट अगर हम और याद करना चाहें, आप लोग देखोगे ज्यादातर जो एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी प्रीलिम्स के जो एग्जाम होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट के रूप में आप लोग देखते होगे। अब उनमें क्या होता है कि आपके सामने एक G20 डाल देंगे क्वेश्चन, कि G20 के बारे में निम्न में से विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है। तो आपको उसका ना G20 का पूरा डाटा आपको याद होना चाहिए, अबाउट G20 पूरा का पूरा, इसका बैकग्राउंड वगैरह, इंडिया के साथ लिंक, अपडेट, इसके मुद्दे वगैरह, सम्मेलन में एक तरह से क्या क्या समझौते देशों के मध्य हुए, पूरा का पूरा कहने मतलब एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वहां पर आपको कुछ स्टैटिक जिक्के भी एक तरह से इस सम्मेलन से आप लोग या इस ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग निकाल के याद कर सकते हो। तो कुछ इस स्टैटिक पॉइंट अगर हम इसका याद करना चाहिए G20 के, तो जो अपना एशिया महाद्वीप है, इस G20 के अंदर जो टोटल मेंबर 20 है ना, उन 20 मेंबर के अंदर 7 ऐसे देश है अपने एशिया के जो इसके अंदर आज सदस्य के रूप में कार्यरत है, ठीक है। आज एक तरह से 7 देश G20 में एशियन कंट्री है। तो कौन कौन से 7 देश है, अगर आपने एटलस कभी पढ़ा है तो उन 7 देश को आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर आप एटलस के अच्छे ज्ञाता हो तो। देखो मैं आपको बता देता हूँ 7 देश कौन कौन से। इन 7 देश में एक तो अपना हो जाएगा चाइना, ठीक है, एक अपना इसके अंदर हो जाएगा इंडिया, ठीक है, दूसरा एक इंडोनेशिया, ये भी अपने एशिया के अंदर है, नेक्स्ट जापान, ठीक है, टेक्निकल कंट्री जापान एशिया के अंदर है, और साउथ कोरिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ये भी एशिया के अंदर है। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक और बचा, तो इसमें एक हो जाएगा टर्की, यानी कि तुर्की। तो तुर्की भी एशिया का इसके अंदर सदस्य है, लेकिन ध्यान रहे तुर्की एशिया और यूरोप दोनों ही एक तरह से महाद्वीपों में फैला हुआ है। एक इसका टर्की, इसका एक शहर आपने सुना होगा इस्तांबुल, जो कि दोनों ही महाद्वीपों में है, यानी यूरेशिया, ठीक है। तो टर्की हो गया, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना, ये 7 इसके अंदर एशियन कंट्री है। G20 के अंदर टोटल 20 मेंबर है, उनमें से 7 देश ऐसे है जो एशिया के है, समझ पा रहे होगे। अब देखो हाल ही में अब की बार 2021 के अंदर जब इसका सम्मेलन हुआ ना, तो न्यूज सुर्खियों के अंदर एक शब्द G20 से संबंधित चर्चित था, और उस शब्द का नाम था ट्रोइका, ठीक है। ये आपके एग्जाम से संबंधित है, क्योंकि करंट अपडेट एक हाल ही में शब्द है ट्रोइका नाम का, ठीक है जी, ट्रोइका। तो ट्रोइका होता क्या है, क्या है ये ट्रोइका, ये G20 से संबंधित है। तो देखो मैंने वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताई थी कि जो इसका चेयरमैन है ना, वर्तमान में इंडोनेशिया के है, 2022 के लिए इंडोनेशिया के एक व्यक्ति जोको विदोदो, जो इंडोनेशिया की राष्ट्रपति है, वो वर्तमान में इसका चेयरमैन है, ठीक है। इसकी जो चेयरमैन है ना, जो इसकी अध्यक्षता है ना, हर साल एक अलग अलग देशों को दी जाती है। और कैसे, जहां पर इसका सम्मेलन होगा ना G20 का, उसी देश के नेता को, उसी देश के राष्ट्रपति को, जैसे ज्यादातर देशों में एक तरह से कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति होता है, हमारे देश में जो अगर हम बात करें तो एक्चुअल जो पावर है हमारे देश में प्रधानमंत्री के पास है, और ऑफिशियल पावर है भारत में राष्ट्रपति जी के पास है। तो भारत में ज्यादातर विदेशी मामलों पर मंचासीन है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। तो भारत में जब 2023 में इसका सम्मेलन किया जाएगा ना, तो 2023 के लिए इसका जो अध्यक्ष G20 का, वो नरेंद्र मोदी जी होंगे, ठीक है। लेकिन अब 2021 में जो इसका सम्मेलन किया जा चुका है, तो 2021 के लिए इसकी चेयरमैनशिप थी इटली देश के पास, और इटली देश का जो राष्ट्रपति है वो है सर्जियो मत्रेला। सर्जियो मत्रेला इटली देश के वर्तमान में राष्ट्रपति है, 2021 की चेयरमैनशिप उसी के पास थी। अब 2022 में इसका सम्मेलन इंडोनेशिया में किया जाएगा, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पास,
ठीक है, तो 2022 के लिए चेयरमैनशिप इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पास होगी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विदोदो। और आप लोग देख रहे होंगे 30 और 31 अक्टूबर को इटली में सम्मेलन इसका खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद इसकी जो चेयरमैनशिप है इटली के द्वारा इंडोनेशिया को सौंप दी गई है, समझ जाओगे। तो कहने का मतलब ये है, जो ट्रॉय को शब्द है ना, ट्रॉय को या ट्रॉय का जो वर्ड है ये क्या बोलता है, करंट में जो अध्यक्ष है इसका, जहां पर सम्मेलन हुआ 2021 में वो तो था इटली, करंट में सम्मेलन के आगामी सम्मेलन 2022 वो होगा इंडोनेशिया के पास, और करंट में जो सम्मेलन हुआ उससे जस्ट एक साल पहले 2020 की बात करें तो वो था सऊदी अरेबिया। तो जो ये तीन देश है, यानी एक तो हाल ही में जहां पर सम्मेलन हुआ है वो देश है, एक आगामी जहां पर सम्मेलन होने वाला है वो देश, और एक इससे पहले जो जस्ट इससे पहले सम्मेलन हुआ है वो देश है। तो सऊदी अरब, इटली और इंडोनेशिया, जो ये तीन देश है ना, ये तीन देश G20 के अकॉर्डिंग ट्रोइका के अंतर्गत एक तरह से आएंगे। तो ट्रोइका के अंतर्गत G20 में कौन कौन से देश है इन प्रेजेंट टाइम में, तो कौन कौन से देश है, एक तो हो जाएगा इटली क्योंकि अभी रिसेंटली इटली के अंदर समिट हुआ है, और एक इससे जस्ट पहले 2020 के अंदर सऊदी अरब में हुआ है, और एक 2021 के जस्ट आगामी यानी 2022 इंडोनेशिया में। तो इन तीनों को ट्रोइका के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक G20, जो कि अपने सम्मेलन के कारण अक्टूबर के महीने में हाल ही में एक तरह से करंट में आया था। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक तरह से ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।